नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में। तो ट्वेल्थ क्लास के बच्चे इस वक्त लगे पड़े हैं तैयारी करने में अपने बोर्ड एग्ज़ाम की पेंटिंग सब्जेक्ट की। तो पेंटिंग वाले बच्चे, स्कल्पचर वाले बच्चे, ग्राफिक्स वाले बच्चे और कमर्शियल आर्ट वाले बच्चे, चारों सब्जेक्ट के लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल कुछ बच्चों ने बोला था, मैडम ये वीडियो किसके लिए है किसके लिए है, तो 049 कोड, 050 कोड, 051 कोड और 052 कोड, ये चारों कोड के लिए वीडियो होने वाली है। और ये वन शॉट वीडियो है, तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लें कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं थोड़ी सी ही देर में आपको रिवाइज करा दूँगी। यहाँ पर जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है कि नहीं ये तो सिर्फ पेंटिंग का ही है, तो ये देखिए कोड 049 छापा चित्रकला, 050 मूर्ति कला जिसको स्कल्पचर बोल देते हैं, और कमर्शियल आर्ट व्यावसायिक कला 052। ये चारों कोड आपके जो है इसी एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले अगर आप शिक्षा प्रभा पर बेटा पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। पेंटिंग के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो वो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, 11th एंड 12th पेंटिंग करके एक फोल्डर है, उधर आपको आपके MCQ क्वेश्चंस, आपके पेपर जो आपके बुक है, बुक के पीछे के क्वेश्चन के आंसर्स, और इसके अलावा जो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्टिव मेथड से आपको वहाँ पर समझाया गया है। इवन जो पेपर में लिखना कैसे है उसके लिए भी आपको ईजिली वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उन सभी के लिए एक क्यूट सा थैंक यू। वीडियोज़ को देख करके ज़रूर जाइएगा, अच्छे मार्क्स आप लोगों को आएंगे, ऐसा आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज है शिक्षा प्रवाह की तरफ से। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। 30 नंबर का थ्योरी का पेपर बेटा आपका आने वाला है और बहुत ही छोटा सा आपका सिलेबस है। तो सबसे पहला वर्ड जो हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, वो है लघु चित्रकला। तो बेटा लघु चित्रकला मतलब छोटे आकार के चित्र जो कि विशेषतः कैनवास पर बनाए गए हैं, कागज़ पर बनाए गए हैं, ग्रंथों पर बनाए गए हैं। जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं तो वहाँ पर जगह छोड़ दी गई है चित्र बनाने के लिए, तो वो लघु चित्रकला है। और आपके सिलेबस में लघु चित्रकला जो है वो रही है राजस्थान से, और राजस्थान के अलावा फिर आ रही है वो मुगल, दक्षिणी और पहाड़ी। ठीक है, ये लघु चित्रकला एक अलग है सिलेबस को अगर हम तीन पार्ट्स में बांट दें। तो दूसरा है फिर बंगाल शैली, और बंगाल शैली का उस समय की कला पर प्रभाव और वो कुछ आर्टिस्ट। ठीक है, जब हमारी कला पूरी तरह से कंपनी शैली में एक तरह से पूरी तरह नष्ट हो गई थी उस वक्त बंगाल शैली का योगदान, और फिर हमारे कुछ आर्टिस्ट आ जाते हैं जिसके अंदर कुछ मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं और ग्राफिक आर्टिस्ट हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपके सिलेबस में नहीं है लघु चित्रकला, सिर्फ आपको एक वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले है आपका राजस्थानी लघु चित्र शैली। तो छोटे आकार के जो चित्र थे बेटा जो सबसे पहले बनने शुरू हुए वो राजस्थान का एक एरिया था मेवाड़। मेवाड़ में वो चित्र बनने शुरू हुए सबसे पहले। और फिर किस तरह के चित्र बने वहाँ पे, तो राग रागनियों पर आधारित, रास लीलाओं पर आधारित, भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्रों पर आधारित चित्र बनने शुरू हुए मेवाड़ में। और फिर मेवाड़ के अलावा और कौन कौन से कला केंद्र पर बने, तो बूंदी पर बने, बूंदी के अलावा जोधपुर पर बने, है ना, जोधपुर के बाद फिर आप देख रहे हैं तो बीकानेर पे बने, बीकानेर के बाद किशनगढ़, जयपुर और कोटा अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब जो है सबसे फेमस कौन से इसके अंदर से अगर पूछा जाए तो जी कौन सा दो पूछा जा सकता है, तो मेवाड़ पूछा जा सकता है जहाँ से स्टार्टिंग हुई है मेवाड़ लघु चित्रों की। क्या विशेषता राजस्थानी शैली के चित्रों में रही है, तो एक चश्म चेहरा यहाँ की विशेषता है राजस्थानी चित्रों की। एक चश्म चेहरा मतलब वो वाले चेहरे जिसके अंदर सिर्फ एक आँख दिखाई देती है, मतलब आधा फेस दिखाई देता है एक चश्म चेहरे, और वो सारी लघु चित्रकला की विशेषता है। दूसरी कॉमन चीज़ ये है कि आपके बुक के अंदर जितने भी चित्र हैं, चाहे मूर्ति हैं चाहे कुछ भी है, वो सब सुरक्षित कहाँ पर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। सिर्फ दो पेंटिंग्स आपके ऐसे हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में नहीं है, एक तो राम समुद्र का मानमर्दन करते हुए जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित नहीं है, और इसके अलावा एक और है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है,
तब किशनगढ़ शैली क्यों ज़्यादा फेमस है राजस्थानी शैली में, क्योंकि यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्र बने हुए हैं। और खासियत है नारी अंकन, यहाँ पर बहुत सुंदर नारी अंकन हुआ है। जो महिलाओं को चित्रित किया है इन्होंने तो वो राधा के रूप में किया है, और पुरुष को जो चित्रित किया हुआ है वो श्री कृष्ण के रूप में किया है। इस वजह से पुरुष का जो रंग है शरीर का वो नीला है, ठीक है। स्त्री को गौर वर्ण से युक्त इन लोगों ने दिखाया है, और यही सब इनके फेमस विषय थे। प्रेम कथाओं पर आधारित, रास लीलाओं पर आधारित, रागमाला पर आधारित, बारहमासा पर आधारित। बारहमासा क्या होता है? बारह महीनों पर आधारित चित्रों को बारहमासा बोल देते हैं। अब कुछ ऐसे फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से थे, तो साहबदीन तो मेवाड़ शैली के फेमस आर्टिस्ट हो गए, जिन्होंने मेवाड़ शैली को मतलब शुरू किया एक तरह से। और जो निहाल चंद हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, निहाल चंद सूरत राम भवानी दास ही किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अब जो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा चित्र है, तो अनिरुद्ध सिंह हाडा आपके सिलेबस में नहीं है, झूले पर कृष्ण चित्र आपके सिलेबस में है, और ये बीकानेर शैली का है, नूरदीन ने बनाया, टेम्परा तकनीक में बनाया। सबकी एक ही खासियत है, बस इनका चित्रकार अलग होगा, तकनीक सबकी टेम्परा है, संग्रह यानी कि इनको सुरक्षित जहाँ पे रखा हुआ है वो राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है, ये कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दो भाग में चित्र दिखाया गया है, ठीक है। श्री कृष्ण और राधा ऊपर भी बात कर रहे हैं, नीचे भी बातें कर रहे हैं, बीच में एक दासी ऊपर वो छत पर बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण झूले पर, और नीचे वो एक बाग में बैठे हुए हैं। तो और जो फेमस चित्र है इस शैली का, मैंने जो एक इसी से पहले एक वीडियो डाल रखी है जहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पे मैंने दे रखा है कि भाई मारू रागनी थोड़ा सा स्पेशल है, यहाँ पे राधा बनी ठनी थोड़ा सा स्पेशल चित्र है राजस्थानी शैली में, पूछा जा सकता है। तो मारू रागनी जो है जोधपुर की एक कथा है जिसको मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया, चित्रित जोधपुर शैली में भी किया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेवाड़ में है, जो मेवाड़ में चित्र बना हुआ है उसको आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीले रंग की भूमि है, पीछे से रेत के कारण से है ना, दो अंगरक्षक हैं जिन्होंने अपने कंधे पे तलवार रखी हुई है, ऊँट चलाने वाला व्यक्ति है, जिसका ऊँट होगा वो वही होगा है ना, साथ में एक वाइट कलर का कुत्ता दौड़ रहा है। और राधा बनी ठनी का तो आपको पता ही है, बनी ठनी चित्र सूरजधज निहाल चंद ने बनाया था, किशनगढ़ शैली का है, ठीक है। नीला रंग का बैकग्राउंड है, पीछे नारंगी रंग की जो है उनकी चोली है, ठीक है। खुले हुए बाल हैं, घुंघराले, लंबी नाक, तीखी अधखुली आंखें, तीखे नैननक्ष, ठीक है। और जो उनका उल्टा हाथ है, दो कमल की कलियां उन्होंने पकड़ी हुई हैं, सीधे हाथ से अपना दुपट्टा उन्होंने पकड़ा हुआ है, राधा के रूप में चित्रित किया गया है। एक चित्र है आपका चौगान प्लेयर्स और चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए, ये भी आपके सिलेबस में है। पर चित्रकूट से ज़्यादा अगर मैं कहूँ, वैसे पढ़ना बेटा आपको सब चाहिए क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं, या तो साइंस था उनके पास या कॉमर्स वाले बच्चे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, ये एडिशनल सब्जेक्ट है इसको टाइम नहीं दिया है, या किसी भी कारण से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चौगान प्लेयर्स चित्र को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पर छः घोड़ों पर राजकुमारी को मतलब बैठाया है, दिखाया गया है, हरे रंग का जो है इनका पीछे से मैदान है जहाँ पर ये चौगान खेल रहे हैं, उस समय का बहुत ही फेमस गेम हुआ करता था, ठीक है। जोधपुर शैली का चित्र है, गति है चित्र में, और ये गति कैसे पता चलती है, उनके वस्त्रों से, ठीक है। सभी के वस्त्रों का कलर अलग है, इवन घोड़ों का कलर भी अलग है, और वो छड़ी के माध्यम से बोल को नियंत्रित करने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड चैप्टर है आपका पहाड़ी लघु चित्र शैली यहाँ पर शुरू हो रहा है, और जिस तरह से राजस्थान के अलग अलग एरियाज़ में चित्र बने और उनको नाम दे दिया गया, इस तरह से पहाड़ी एरिया में कुछ चित्र बने, उसी आधार पर उनका उपविभाजन किया गया है ना, पहाड़ी शैली का विभाजन किया गया। जिस तरह से सबसे सुंदर चित्र राजस्थानी शैली में किशनगढ़ शैली में बने थे राजा सावंत सिंह जी के समय पे, उसी तरह से पहाड़ी शैली में सबसे सुंदर चित्र बने हैं कहाँ पर, कांगड़ा शैली में। अगर आप देखेंगे तो कांगड़ा लघु चित्र जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं संपूर्ण पहाड़ी कला में,
और जिस तरह से राजस्थानी शैली में सबसे पहले चित्र मेवाड़ में बनने शुरू हुए थे, इसी तरह से पहाड़ी शैली में जो चित्र बनने शुरू हुए थे बसोली में शुरू हुए थे। इसके अलावा गुलेर, चंबा, नूरपुर, ये सब आपके सिलेबस में है, लेकिन अगर दो मेन पॉइंट्स हम देखेंगे तो वो है बसोली लघु चित्र शैली और दूसरी है कांगड़ा लघु चित्र शैली। बसोली तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भाई शुरुआत यहाँ से हुई है, ठीक है, और पहाड़ी शैली का उदय कब हुआ है तो 1690 के आसपास हुआ है रावी नदी के पास बसोली राज्य में, जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ। और किन विषयों पर यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं तो अगर आप देखोगे तो रसमंजरी, रामायण, गीत गोविंद, रागमाला, वही सब चित्र यहाँ पे बने हैं जो राजस्थानी शैली में बने, क्योंकि लगभग एक ही समय के ये कला थी, बस अलग अलग स्टेट अलग हो गया था, राज्य अलग हो गया था, ठीक है। सबसे सुंदर चित्र कांगड़ा में बने थे, किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति चित्रण अच्छा हुआ था, बाकी जगह से बड़े आकार के चित्र थे। महिलाओं को यहाँ पर भी राधा के तौर पे ही चित्रित किया गया है और पुरुषों को क्या नाम है, श्री कृष्ण। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस चित्र में भी जो पुरुष है गोपियों संग कृष्ण आप चित्र देख रहे हो बसोली शैली का है, तो कृष्ण जो है वो नीले रंग का उनका देह है, मतलब शरीर का कलर नीला है, जैसा कि श्री कृष्ण को दिखाया जाता है। और वही सब स्त्रियों को राधा के तौर पे या उनकी सखियों के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है। और कांगड़ा शैली के जो ज़्यादा फेमस, मतलब कैसा होता है कि कोई वाला टॉपिक किसी जगह पे ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया होता है, बनाया गया होता है, तो यहाँ पर कौन सा चित्र ज़्यादा था, केशव दास का काव्य था रसिक प्रिया, ठीक है। ये रसिक प्रिया एक ग्रंथ है जो कि केशव दास ने लिखा है, केशव दास चित्रकार नहीं है, याद रखिएगा, केशव दास ने इस ग्रंथ को लिखा है और इस ग्रंथ पर चित्र बनाए हैं चित्रकारों ने कांगड़ा में। और कांगड़ा शैली में जो चित्रकार थे उर्कू, फत्तू, मनकू, ये सब कहाँ के थे, गुलेर के थे। पहले इन्होंने गुलेर राज्य में काम किया, फिर गुलेर राज्य जब मर्ज हो गया कांगड़ा में तब इन्होंने कांगड़ा में भी चित्रकारी करी, ठीक है। अब दो चित्र हैं यहाँ पे आपके सिलेबस में बेटा, एक तो है गोपियों संग कृष्ण और दूसरा है जो आपके सिलेबस में है नंद, यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए। देखिए इसके अलावा जो तीन चित्र हैं नृत्यरत शिव हैं और ये हैं यहाँ पे राधा का दर्पण देखते हुए और भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए, ये दोनों अब सिलेबस में नहीं है इस बार, मे बी नेक्स्ट ईयर से ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो जो अब ये वाला चित्र है गोकुलवासी वृंदावन जा रहे हैं नंद जी, यशोदा जी और कृष्ण जी के साथ, तो इसके चित्रकार नैनसुख हैं और ये कांगड़ा शैली का चित्र है, टेम्परा तकनीक से बना हुआ है। चित्र की खासियत सिर्फ यही है कि दूर बादलों में आपको क्या नाम है नज़र आ रहा है, बाकी गोकुल के लोग हैं, यमुना नदी का किनारा है, ठीक है। श्री कृष्ण जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी और जो उनके भाई हैं बलराम जी वो इशारा कर रहे हैं, ठीक है, गोकुलवासियों को वृंदावन दिखा रहे हैं और वो उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पेड़ है और वही सब प्राकृतिक दृश्य है, वही सब श्री कृष्ण का देह का रंग नीला है और जो वसुदेव जी हैं सॉरी जो बलराम जी हैं उन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, धोती और वो सब। अब इसके बाद जो थर्ड लघु पेंटिंग है बेटा आपकी वो है मुगल एवं दक्षिणी लघु चित्र शैली। तो मुगल और दक्षिणी ये आपका एक साथ ही इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब इकाई करके ना। तो मुगल, अब जो हमने पहाड़ी शैली को पढ़ लिया और राजस्थानी शैली को बेटा हमने पढ़ लिया, तो पहाड़ी और राजस्थानी शैली में क्या था कि वहाँ पे जो थे वो राज्यों में कुछ कुछ जगह थी जिन जगहों के आधार पे हम चित्र पढ़ रहे थे, जैसे कांगड़ा के चित्र या किशनगढ़ के चित्र या बसोली के चित्र या मेवाड़ के चित्र, ठीक है। लेकिन अभी जब हम मुगल पढ़ेंगे तब हम चित्रों को इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये चित्र आगरा का है या दिल्ली का है, अभी यहाँ से हम जो चित्र पढ़ना शुरू करेंगे वो पढ़ेंगे अकबर काल का चित्र, जहांगीर काल का चित्र या शाहजहाँ काल का चित्र। आपके सिलेबस में सिर्फ चार ही है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और जब पतन हो रहा है यानी कि औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय पे कोई चित्र आपको नहीं रीड करना है, उस समय तो सिर्फ नाश हुआ है, ख़त्म हुआ है, पतन हुआ है, ठीक है, चित्रकला का।
और अब मुग़ल कला आपके सिलेबस में क्यों है, तो और मुग़ल कला में कौन सी कला के प्रभाव आपको देखेंगे, तो अगर आप देखोगे तो भारतीय कला, भारतीय कला किसको बोला जा रहा है यहाँ पे, राजस्थानी कला को और पहाड़ी कला को, तो राजस्थानी कला और पहाड़ी कला और प्लस इस्लामी कला, इस्लामी कला को जब हम जोड़ देते हैं राजस्थानी और पहाड़ी के साथ तो जो कला बनती है उसको कहते हैं हम मुग़ल कला। अब इस्लामी कला क्या है, ठीक है, तो उस कला में कुछ भी नहीं है, क्या है कि इस्लाम में चित्र तो बनाया ही नहीं जाता है, वहाँ पे नक्काशी की जाती है, बेल बूटे बनाए जाते हैं, सजीव लोगों का अंकन वहाँ पर निषेध है, वहाँ पर आप किसी जानवर का, पशु पक्षी का या मनुष्य का चित्र नहीं बना सकते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन बनाए जाते थे, आलेखन बनाए जाते थे, नक्काशी की जाती थी या कुरान की आयतें लिखी जाती थी, उसी को सजा करके वो लोग लिख देते थे, तो वो चीज़ है इस्लामी कला। और वही आलेखन, पच्चीकारी और डिज़ाइनिंग जब हमने राजस्थानी और पहाड़ी कला में जोड़ दिया तो वो चीज़ कहलाई मुग़ल कला, कुछ अलग खासियत हो गई, जैसे यहाँ के जो चित्र हैं उनके अंदर हाशिए बनने लगे। हाशिए क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना बेटा, ये अभी आपके सामने ये खुला पड़ा है, ये देखो, तो इसमें चारों तरफ एक वो बनाया गया है, लाइन खींच दिया गया, जैसे हम भी चित्र बनाते वक्त ऐसे चारों तरफ लाइन खींच देते हैं, तैयार कर देते हैं बैकग्राउंड उसका, है ना, स्पेस छोड़ देते हैं, तो वो कहलाता है हाशिया। और उस हाशिए में वो क्या करते थे, अपने इस्लामिक कला की नक्काशी, पच्चीकारी वो सब कर दिया करते थे। तो ये था मुग़ल कला में इस्लामिक कला का प्रभाव, ठीक है। इसके अलावा अब चित्र कैसे कैसे बने हैं, तो सबसे पहले जो चित्र थे वो मुग़ल कला में, तो बाबर ने मुग़ल स्थापत, मुग़ल शासन की स्थापना करी हमारे यहाँ पे इंडिया में, फिर बाबर ने बहुत ज़्यादा शासन नहीं किया, उसके बाद हुमायूं आ गया, हुमायूं को भी हरा दिया लोगों ने, और वो भी कभी इधर छुप रहा है कभी उधर छुप रहा है, इस तरह से कुछ रहा उसका भी। तो जब अकबर आए तो अकबर के समय से ये जो मुग़ल राज्य है वो सुदृढ़ हुआ, 13 साल की उम्र में अकबर ऐसे गद्दी पे बैठ गए, और जब एक तरह से राज्य सुरक्षित हुआ तब उन्होंने चित्र बनाने शुरू किए। बाकी चित्रकारी का शौक़ हुमायूं और बाबर दोनों को था, बाबर तो इवन कई भाषाओं का ज्ञाता भी था, लेकिन अकबर के समय से चित्र बनना शुरू हुए। अब अकबर के समय चित्र बने तो उसने किन विषयों पर चित्र बनवाए और कौन उसके दरबारी चित्रकार थे, तो मीर सैयद अली अबू समद सिराजी। आपसे पूछा जा सकता है, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं, कि मीर सैयद अली और अबू समद सिराजी किसके दरबारी कलाकार थे, तो अकबर के दरबारी कलाकार थे। इसके अलावा बसावन मुग़लकालीन कलाकार था, किसके समय का, अकबर के समय का, और दशवंत, ये चारों पिलर थे चित्रकारी के, मतलब चित्रकारों में फेमस थे कौन, बसावन, दशवंत, अबू समद सिराजी और मीर सैयद अली। अब इन लोगों में एक व्यक्ति चित्र भी बहुत ज़्यादा बना है, तो व्यक्ति चित्र क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में हम अपना कोई पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचाने चले जाएं तो वो कहलाएगा व्यक्ति चित्र, सभी चित्र, ठीक है। कुछ तो वो छोटे आकार के भी होते थे, तो कुछ ऐसे बड़े आकार के भी होते थे, मतलब फुल पोर्ट्रेट भी होते थे, है ना, जिसको हम अब आज के टाइम पे लाइफ स्टडी बोल देते हैं, तो ये सब है ना। जहांगीर जो पीरियड था कला के क्षेत्र में, तो जहांगीर को बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंटरेस्ट था चित्रकारी में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे चित्रकला प्रेमी शासक था, तो सबसे सुंदर चित्र अगर पूरे मुग़ल काल में कभी बने हैं तो वो जहांगीर के समय बने हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने प्रकृति चित्रण भी बहुत ज़्यादा करा। अकबर के समय जो चित्र वो दरबारी शानो शौकत से ही लच के रह गए, सिर्फ दरबार लग रहा है उसके चित्र बनने हैं, या जो बड़े बड़े लोग हैं, राजघराने के लोग हैं, उन लोगों के पोर्ट्रेट बन रहे हैं, या ग्रंथों पर चित्रांकन हो रहा है, लेकिन जहांगीर ने उन चित्रों को राज दरबार से बाहर निकाला, प्रकृति के चित्र भी जहांगीर ने बनवाए। अब जहांगीर के बाद आया शाहजहां का टाइम, तो जो शाहजहां था उसकी रुचि जो थी बेटा वो चित्रकारी में ना होकर के उसमें बहुत ज़्यादा थी, किसमें भला, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है,
शाहजहाँ की जो जो इंटरेस्ट था वो स्थापत्य में बहुत था। आपने देखा कि उसने जामा मस्जिद बनवाया, उसने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, इसी तरह से कुछ कुछ इमारतें बाग बगीचे वो बनवाता था। चित्र भी बहुत ज़्यादा बनते थे, लेकिन उनका जो स्तर था वो अब गिर चुका था। मात्रा तो बढ़ गई थी, अगर जहांगीर के टाइम पर 100 चित्र बनते थे तो इसके टाइम पर 1000 बनने लगे, लेकिन उनके उनमें गिरावट आ गई। जहांगीर के समय पर वो 100 चित्र सुंदर बने और इसके समय में वो चित्र उतने सुंदर नहीं बने जितने जहांगीर के टाइम पे बने। ठीक है, तो अब जो अभी ये हो गया, अब औरंगजेब को हमको पढ़ने का कोई है ही नहीं, क्योंकि औरंगजेब ने कुछ नहीं किया, सारे चित्रकारों को या तो भगा दिया या तो मरवा दिया। अब है ये कबीर और रैदास। ठीक है, ये चित्र आपके सिलेबस में है और बहुत इम्पोर्टेंट चित्र भी है। तो कबीर और रैदास जो ये चित्र है, ये इसके जो चित्रकार हैं फ़कीरुल्ला खान हैं, तो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में इस चित्र को बनवाया गया है और जल रंग पे टेम्परा तकनीक है और वहीं राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा हुआ है। तो जो इसके अंदर रैदास हैं, जो कबीर हैं, उनके सर पे पगड़ी है और पगड़ी सॉरी इवन उनके सर पे टोपी है और वो ऐसे कपड़ा बुन रहे हैं, है ना। और जो रैदास हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपना जाप कर रहे हैं, सर पे पगड़ी उन्होंने पहनी हुई है। शरीर जो है इन लोगों का कमज़ोर है, है ना, हड्डियाँ दिख रही हैं, जर्जर हो रखा है इनका जो शरीर है। ठीक है बेटा, अब दूसरा है, अच्छा इस चित्र की खासियत यह है कि ये जो चित्र है ना वो दारा शिकोह के कहने पे बनवाया गया था। शाहजहाँ के टाइम पे शाहजहाँ का पुत्र था दारा शिकोह, जिसको शाहजहाँ बहुत ऐसे प्यार करता था, पसंद करता था। और जब औरंगजेब ने उसके सारे पुत्रों को मरवा दिया और शाहजहाँ को कैद कर लिया ताजमहल में, तब भी दारा शिकोह जो है वो जिंदा था, राजपूतों के यहाँ पर छुपा हुआ था। और फिर किसी भी लालच में आके या कैसे भी करके दारा शिकोह का पता जब औरंगजेब को चल गया और उसने दारा शिकोह को मार डाला, उसके बाद शाहजहाँ ने भी बहुत ज़्यादा दिन अपना जीवन नहीं जिया और वो भी उसके गम में मारे गए। बहुत ही एक नेक व्यक्ति दारा शिकोह को बताया जाता है, बहुत संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित था, बहुत उसको नॉलेज थी संस्कृत की, इसके अलावा बहुत अच्छा कला प्रेमी भी था वो। और सेकेंड चित्र बेटा जो आपके सिलेबस में है वो है गोवर्धनधारी श्री कृष्ण, जिसको कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए चित्र भी बोल देते हैं। तो बेटा ये अकबर के समय का चित्र है और इसको ऐसे मिस्किन ने बनाया है, राष्ट्रीय संग्रहालय में बेटा रखा हुआ है। टेम्परा तकनीक, बार बार एक वर्ड आ रहा है बेटा टेम्परा, वैसे मैंने कई बार बताया है पर क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ हो सकता है इस वीडियो में छूट जाए, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हम जल्दी से घंटे डेढ़ घंटे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेम्परा क्या होता है बेटा, जब हम जल रंग को ले लेते हैं और उसको हम ऐसे पारदर्शी होता है जल रंग, है ना, पारदर्शी मतलब अगर आप उसको कागज़ पे पेंसिल चलाओ और उसके ऊपर वाटर कलर लगा दो, कोई सा भी, चाहे रेड लगा दो चाहे येलो लगा दो, तो लगा दो तो वो आपको लाइन दिखेगी, वो पारदर्शी होता है। और जब उस टेक्निक को हम पारदर्शी को अपारदर्शी कर दें, मतलब जब वो जल रंग लगाएं और नीचे से वो लाइन ना दिखे, अपारदर्शी टेक्निक हो जाए, तो वो कहलाती है टेम्परा। इससे पहले अजंता में वो टेम्परा तकनीक हमने दीवारों पे यूज़ की थी, जो हमारे घर में पेंट हम लोग कराते हैं वो टेम्परा तकनीक ही होती है, वो पीछे से छुपा देती है दाग धब्बों को। तो अब टेम्परा कैसे बनता है रंग, किसी भी रंग के अंदर अगर हम सफ़ेद रंग को मिला देंगे या ब्राउन कलर को मिला देंगे, यहाँ पे ब्लैक की तो हम बात ही नहीं करें, ब्लैक नहीं मिलाया जाता है, अगर हम डार्क ब्राउन कलर उसमें मिला देंगे तो वो कलर जो है वो टेम्परा बन जाता है। मिश्रित रंगों को टेम्परा बोलते हैं। तो अभी बात हो रही थी श्री कृष्ण वाले चित्र की, गोवर्धनधारी की, तो यहाँ पर श्री कृष्ण है जिन्होंने पीले कपड़े पहने हुए हैं, नीला उनके शरीर का रंग है, सर पे बहुत भारी बड़ा मुकुट है, उन्होंने अपने उल्टे हाथ की जो उंगली है, ठीक है, यहाँ पर जो चित्र आप देखोगे तो उन्होंने हाथ से पर्वत को उठाया हुआ है, ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जी उन्होंने उंगली पर उठाया था, तो तुम्हारे चित्र में उन्होंने अपने उल्टे हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है। उस पर्वत के ऊपर देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो उस पर्वत के ऊपर बहुत सारे जानवर भी दिखेंगे आपको, काला हिरण, पीला हिरण, है ना, और क्या नाम है, पेड़ पौधे वनस्पति, है ना, बच्चे जानवरों के, है ना। और उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने बसा रखा है क्या, अपना पूरा का पूरा गांव, गोकुल गांव को उन्होंने उस गोवर्धन पर्वत के नीचे, भारी बारिश हो रही है, इंद्र ने प्रकोप कर रखा है,
तो वो वहाँ के लोगों को उस पहाड़ की ओट में नीचे रखे हुए हैं और बचा रखा है। ठीक है, बहुत ही मल्टी कलर है इस चित्र में। ये जो है बाबर सोन नदी अब आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, जहांगीर मेडोना भी अब आपके सिलेबस में नहीं है, और दारा शिकोह की बारात ये वाला चित्र आपके सिलेबस में है, और ये इसके जो चित्रकार हैं वो हाजी मंदनी हैं। ठीक है, टेम्परा तकनीक में ही वो चित्र बना हुआ है। मैं बार बार उस चीज़ को नहीं रिपीट कर रही हूँ, कब का है, कैसा है और कहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पे ठीक है, दारा शिकोह की शादी करवा रहे हैं शाहजहाँ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो हरा प्रकाश पुंज है ना चेहरे के पीछे, ये वाला, तो ये हैं शाहजहाँ। और इसी के साथ ही साथ ये जो पीले से कपड़ों में आगे घोड़ा है, ये है दारा शिकोह। तो शाहजहाँ का घोड़ा भी सजा पड़ा है, दारा शिकोह का जो फेस है दूल्हे की तरह आगे उस पे ऐसे क्या कहते हैं सहरा वगैरह उन्होंने पहन रखा है। और दोनों पक्ष दिखाए गए हैं, वर एंड वधु पक्ष दोनों दिखाए गए हैं। तो जो वधु पक्ष है वहाँ पे कुछ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, जबकि जो वर पक्ष है वहाँ पे महिलाएं शायद ही कोई एक दो दिखाई गई है या चित्रित की गई है चित्रकार ने। और ऊपर आकाश में बहुत सारी आतिशबाजी हो रही है, पटाखे छूट रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो इस तरह का कुछ दृश्य है। ठीक, अब है हमारा बाज पक्षी विश्रामी पे बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक चित्र, ये भी है आपके सिलेबस में। तो जो बाज पक्षी विश्रामी पे है इसके चित्रकार हैं मंसूर। ठीक है, मंसूर एक बहुत पशु पक्षी चित्रण बहुत अच्छा करते थे मंसूर, और ये जहांगीर कालीन बेटा चित्र है, जहांगीर के समय के चित्रकार हैं मंसूर। और उन्होंने बहरी बाज का चित्रण किया हुआ है, पीछे से येलो भूमि। ये जो जहांगीर को ना इस बाज को ऐसे गिफ्ट किया था किसी ने, शायद ईरान से वो राजा आए थे जिन्होंने ये गिफ्ट किया था, और उसके बाद कुछ समय के बाद उनका बड़ा पालतू हो गया था, बड़ा प्यारा हो गया था, और फिर उसके बाद इसको किसी बिल्ली ने मार डाला, खा डाला। तो कुछ दिनों तक बहुत उदास रहे इसके जाने से जहांगीर, ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो अब अगर आप देखोगे, देखिए जिस हाशिए की मैं बात कर रही थी, देखिए ये कहलाता है, ब्लैक कलर की लाइनिंग आपको चारों तरफ दिख रही है ना, ये है हाशिया, और इसके ऊपर नक्काशी की रखी है जो क्या है इस्लामी कला का है। और जहांगीर और बादशाह जो आपने लिखा हुआ है, देखो देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है उत्तम बहरी। ठीक है, ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो इसमें भारतीय कला और इस्लामी कला का मिश्रण कही जाती है मुगल कला, और पूरी तरह से भारतीय है ये। ठीक है, इसके बाद अब इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो तीन हैं, तीन ही इम्पोर्टेंट हैं, बाज है, दारा शिकोह की बारात है, और गोवर्धनधारी है, कबीरदास है। चार चित्र हैं, चारों एक बार आपने देख ही लिए तो मुझे नहीं लगता कल तक आप इसको भूल पाओगे जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब है दक्षिणी लघु चित्र शैली। तो जिस तरह से अब दक्षिणी जो है हमारे मतलब इंडिया के मैप में अगर आप आओ तो बिल्कुल लास्ट का एरिया हैदराबाद वगैरह वो सब है ना, वो सब आ जाता है दक्षिण में। अब दक्षिण में भी जो हुआ कला की शुरुआत हुई उसके तीन चरण इन्होंने बता दिए। प्रथम चरण तो वो है जो बीजापुर में हुआ और सम्राट आदिल शाह के दरबार से हुआ। ठीक है, बीजापुर में सबसे पहले दक्षिणी कला की नींव डाली, लेकिन दक्षिणी कला जो है, अब मुगल कला तो अलग इसलिए है क्योंकि भाई उसमें तो अकबर काल हो गया, जहांगीर काल हो गया, दक्षिणी कला कैसे अलग है? दक्षिणी कला इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं के चित्र बने हैं उनका जो चेहरा है वो लगभग सवा चश्म बन गया है, कहीं कहीं पर डेढ़ भी बन गया है, एक भी बना हुआ है, लेकिन सवा चश्म चेहरे की अधिकता यहाँ पर हो गई है। वो थोड़ा सा क्या होता है कि स्पेस हो जाता है, बीच में काफ़ी सारा गैप हो गया, काफ़ी दूरी पर दक्षिण जाकर हो गया, तो थोड़ा थोड़ा तो चित्रों में अंतर होना स्वाभाविक है। तो अब यहाँ पर जो ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, तो अनवरा सुलेही, यूसुफ जुलेखा, ठीक है, पंचतंत्र, और ये सारे ग्रंथों पर यहाँ पर चित्रांकन हुआ। बेसिकली ग्रंथ चित्रण ही था यहाँ पर। ठीक है बेटा, और जो इसका द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण में चित्र कहाँ पे बने, तो हैदराबाद में बने। ठीक है, तो इसके चार ही फेमस केंद्र थे, हैदराबाद, गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, ये चार कला केंद्र थे जहाँ पर दक्षिणी शैली में चित्र बने। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, हैदराबाद, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर। बीजापुर में सबसे पहले बनना शुरू हुआ जहाँ पर आदिल शाह द्वितीय ने इनको शुरुआत करा। अब दक्षिणी शैली के चित्रों की क्या विशेषता है, अगर आप लोग यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये दक्षिणी शैली के चित्रों की विशेषता है क्या है, पर्शियन कला मतलब कोमल रेखांकन रंगांकन है,
त्रिआयामी प्रभाव है। इमारतों का चित्रण किया गया है, लंबे गोरे भावुक लोग दिखाए गए हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी आँखें हैं, सपाट नाक है, लंबे ललाट, ललाट मतलब माथा है, ठीक है। और मतलब यही सब हम लोग इसे विशेषता लिख देंगे कि रेखा कैसी है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, आकृति कैसी है, किन विषयों पर चित्रांकन हुआ है, इसी तरह से हम विशेषता लिख देंगे, चाहे हमसे राजस्थानी शैली की पूछी जाए या फिर ऐसे दक्षिणी शैली की या फिर ऐसे मुगल या पहाड़ी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो आपके सिलेबस में है वो रागनी पठंसी का तो अब आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ये भी बेटा अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा आपका चांद बीबी पोलो खेलते हुए चित्र बहुत ऐसे है, जैसे चौगान प्लेयर्स चित्र था इसी तरह से, बस चौगान प्लेयर्स और इसके अंदर क्या ही अंतर है, उधर वो चौगान है और ये पोलो बोल रखा है उस गेम को, यहाँ पर बीच में एक अंगरक्षक खड़ा हुआ है, अंगरक्षक बोलेंगे या गेम खिलाने वाला कोच बोलेंगे या कुछ भी है ना, तो वो वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर 6 घोड़े थे और 6 राजकुमारियाँ थीं, यहाँ पर 4 घोड़े हैं और 4 राजकुमारियाँ हैं। ये गोलकुंडा शैली का चित्र है, किस चित्रकार ने बनाया है उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है, और जो है ये 1750 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। और बेटा मैं वीडियो को आगे बढ़ाए जा रही हूँ, होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ करके, तो समझ भी आ रहा होगा बेटा। लेकिन अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर लें। आपका जैसे ही पेपर बोर्ड का ख़त्म होगा आपको यहाँ पर आपका पेपर सॉल्व किया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आप यहाँ से अपना देख सकते हैं कि हाँ भाई हम लोग क्या लिख कर के आए हैं पेपर में। इसके अलावा और मॉडल टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, वैसे तो आप 12th क्लास के बच्चे हैं अभी पास आउट हो ही जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर आपको आपके रिजल्ट्स अपडेट वगैरह की जानकारी मिलते रहेगी, ठीक है। और वीडियो बेटा अगर आपको मेरा अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो, बेटा ये आपके सिलेबस में है, दक्षिणी शैली का चित्र है, तो इसके अंदर ये जो है अमीर खुसरो, ठीक है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो ग्रीन ड्रेस में बैठे हुए हैं ये हैं, और अमीर खुसरो ये हैं जो एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, एक छत पे बैठे हुए हैं, नीला आसमान है और पीछे से पेड़ इन्होंने दिखाया है इस चित्र में, टेम्परा तकनीक में ही बनाया बेटा, किसने बनाया है जानकारी नहीं है, ठीक है। और ये हैदराबाद शैली का एक चित्र है। इसके अलावा ये एक नर्तकिया चित्र है जो बेटा अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये इस बार नहीं आएगा। नेक्स्ट है अब आपका इकाई 3 शुरू हो गया। मैंने जो सिलेबस को आपके 3 पार्ट्स में बांटा था कि भाई एक तो हो गई लघु चित्र शैली और दूसरी हो गई बंगाल शैली और तीसरे जो हमारे आर्टिस्ट आ जाएंगे, तो अब हमारे दूसरे जोन में पहुंच गए हैं, यानी कि हम पहुंच गए हैं बंगाल शैली पे। तो अब ये बंगाल शैली क्या थी, बहुत इम्पोर्टेंट एक वर्ड है बंगाल चित्र शैली, क्वेश्चन आना पक्का है, कोई ना कोई क्वेश्चन बंगाल शैली पर पक्का आएगा, MCQ भी पूछे जा सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव तो आएगा ही आएगा। क्या ही होता है कि कंपनी शैली हमारे यहाँ पर आ जाती है। अब कंपनी शैली क्या होती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारे यहाँ पर हो गई, इंडिया में अंग्रेज लोग आ गए, उन्होंने अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी, शासन करने लगे, रूल करने लगे हम लोगों को, तो वो जो चित्र बनवाने लगे, अब रजवाड़े ख़त्म हो गए, पहाड़ी कला ख़त्म हो गई, जब राज्य ही नहीं बचे तो राजा के पास कहाँ से पैसा होगा, जब राजा ही नहीं बचा तो पैसा ही नहीं बचा, तो चित्रकार क्या चित्र बनाएगा। तो ऐसे टाइम पे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने चित्रकार ले आए, अपने रंग ले आए, कागज ले आए, बोली यहाँ पर तो कोई बढ़िया चित्रकारी है नहीं, उन्होंने हमारी कला को हीन भावना से देखा, ठीक है, और अपने यहाँ की कला को श्रेष्ठ बताया, तो वो चित्र बनाने लगे। कुछ चित्रकारों से वो हमारे यहाँ पर चित्र बनवाने लगे तो उनके खुद के विषय हुआ करते थे, वो नहीं कहते थे कि रागमाला पे या रासलीला पे चित्र बनाओ, वो उनके अपने टॉपिक होते थे कि भाई मदारी का चित्र बनाओ या ऐसे माली का चित्र बनाओ, तो वो क्या था उन चित्रों को ले जा कर के दिखाते थे अपने देश में कि भाई देखो वहाँ पर इस तरह की संस्कृति है और इस तरह के लोग रहते थे, स्पेशली यहाँ की गरीबी को वो लोग दिखाते थे, लूट कर तो ले ही जा रहे थे यहाँ से सारी चीज़ों को। तो ऐसे टाइम पर उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों में से एक थे EV हेवेल जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल थे, 5 विश्वविद्यालय थे उस वक्त जिसमें कि ये कलकत्ता भी था,
और एक परिवार था रविंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर उन दिनों तुमको पता ही है राजनीति में भी बहुत उनकी अच्छी खासी पहुंच थी और बहुत अच्छा पैसा भी था, धनाढ्य परिवार था उनका। उन्होंने अपना एक विद्यालय भी खोला हुआ था, जैसे कलकत्ता विद्यालय तो हो गया गवर्नमेंट का, इसी तरह से जो रविंद्रनाथ जी थे उनका अपना एक विश्वविद्यालय था जो जिस पर उनका अपना हक था, जिसका नाम था शांति निकेतन, ठीक है। तो उसी तरह रविंद्रनाथ जी के एक बड़े भाई थे जिनका देहांत जल्दी हो गया, जिनका नाम था गुणेंद्रनाथ। अब उनके दो बेटे थे अवनींद्रनाथ टैगोर और गगेंद्रनाथ टैगोर। तो दोनों के दोनों हम लोग अभी सिलेबस में पढ़ेंगे। तो ईवी हवेल का आना जाना रहा शांति निकेतन में। शांति निकेतन में उनकी मुलाकात अवनींद्रनाथ टैगोर से हुई। अवनींद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम भारतीय कला को उसकी पहचान दिलाएं। और जब बात शुरू होती है भारतीय कला को उसकी पहचान दिलाने की, तब ही अस्तित्व में आती है बंगाल चित्र शैली। शांति निकेतन कहाँ पर है? बंगाल में, ठीक है। इसीलिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने ईवी हवेल की प्रेरणा से जिस कला शैली की नींव डाली, उस कला शैली को बोला गया बंगाल चित्र शैली। और ये नींव कहाँ डाली गई? वही शांति निकेतन भवन में जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर एक विश्वविद्यालय था उसी शांति निकेतन में उन्होंने एक कला भवन की स्थापना करी। बहुत से शिष्यों को वहाँ पर कला की शिक्षा दी और चित्र बनवाए, ऐसे चित्र बनवाए जो बने थे मुगल में, राजस्थानी में, अजंता में। विषय चित्रकारों ने अपनी पसंद से चुने। उन्होंने रागमाला पर चित्र नहीं बनाए, उन्होंने रासलीला पर चित्र नहीं बनाए, उन्होंने बारहमासा पर चित्र नहीं बनाए। चित्रों के विषय उनके अपने थे, लेकिन चित्र वैसे बने जैसे राजस्थानी में बनते थे। रेखा वैसी थी, रंग वैसे थे, ठीक है। इसके अलावा बंगाल शैली की एक और खासियत थी, वो था वॉश चित्रण। वॉश चित्रण क्या होता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने वॉश चित्रण सीखा किससे? जो याकुवन जापानी आर्टिस्ट थे, दो ओकाकुरा और ताइक्वान करके, है ना, इन दोनों से उन्होंने वॉश चित्रण पद्धति सीखी। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने और वो अपने शिष्यों को भी सिखाई। तो वो थी वॉश तकनीक और वो बंगाल शैली की खासियत है। बंगाल शैली में ही आई, इससे पहले वो नहीं आई थी। अब बंगाल शैली की स्थापना कब हुई, कैसे हुई? तो कैसे हुई तो मैंने बता दिया भाई, किसने करी भी मैंने बता दिया, और कब हुई तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुई। और अब इस शैली के, इस परंपरा के अग्रणी थे। अब ये तो हो गई परंपरा बंगाल शैली, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे थे उस समय, पैसा सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर के पास था, कुछ चित्रकार ऐसे थे जिनको किसी राजा के संरक्षण की जरूरत नहीं थी, उनके पास अपने लिए पर्याप्त पैसा था, तो वो अपने पसंद के विषय पर चित्र बनाते थे, उनको किसी से पैसा लेना देना ही नहीं है, ठीक है। अब जैसे बाकी चित्रकार तो कंपनी शैली के आधार पर चित्र बनाएंगे, जैसा अंग्रेज लोग उनको बोलेंगे वैसा चित्र बनाएंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो अब वो चित्रकार कौन थे? तो वो जो राजा रवि वर्मा हो गए, गगेंद्रनाथ टैगोर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, यामिनी राय हो गए, ये वो आर्टिस्ट हैं जिनका संबंध बंगाल शैली से नहीं है। इन्होंने उसी दौर में रह के अपने ही विषय पर, अपने ही तरीके से अपनी ही पेंटिंग बनाई और भारतीय कला का नाम किया। समझ आ गया आपको? कंपनी शैली के चित्र बन रहे थे जो कि अंग्रेज़ लोग बनवा रहे थे, मंदारी के चित्र, मालियों के चित्र, लोहार के चित्र, सपेरों के चित्र, एक तो ये था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ईवी हवेल की प्रेरणा से कला भवन खोल दिया और वहाँ पे वॉश पेंटिंग से बंगाल शैली में चित्र बनवाने लगे जो अजंता की तरह थे और वो सब थे। इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट अपने ही मर्जी से, अपने ही तरीके से चित्र कर रहे थे। उनका नाम था राजा रवि वर्मा, गगेंद्रनाथ जो कि अवनींद्रनाथ के ही बड़े भाई थे, रविंद्रनाथ जो कि उनके चाचा थे, और यामिनी राय। अब एक वर्ड, एक नाम यहाँ पर आ रहा है, नंदलाल बोस। तो हो सकता है तुम में से किसी को ऐसे लग रहा हो मैडम ने नंदलाल बोस के बारे में तो बताया ही नहीं, इतने बड़े आर्टिस्ट थे और वो सब थे। तो नंदलाल बोस जो थे वो थे शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर के। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस बंगाल स्कूल की स्थापना करी, प्राचार्य नियुक्त हुए, उसमें उनके जो सबसे ज़्यादा
करीबी और फेमस और प्रसिद्ध और प्यारे चित्रकार थे वो थे नंदलाल बोस। जब रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई तो नंदलाल बोस ही शांति निकेतन में कला भवन के अध्यक्ष चुने गए, प्रिंसिपल चुने गए। अब जापानी तकनीक के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर जो भी चित्र आप देख रहे हो वो कोई भी जापानी तकनीक में नहीं बना हुआ, सारे के सारे जो हैं हमारे बंगाल शैली से पहले चित्र, जैसे राजा रवि वर्मा का चित्र आप देख रहे हो, रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र देख रहे हो, यामिनी राय का चित्र देख रहे हो, और ये अवनींद्रनाथ टैगोर, ये कोई भी बंगाल शैली में बने हुए नहीं हैं। अब कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जो बंगाल शैली हैं, कोई भी चार नाम आपसे, तीन नाम दिए जा सकते हैं, चार दिए जा सकते हैं, चार में से तीन बंगाल शैली के होंगे, एक नहीं होगा, तो बताया जाएगा कि कौन बंगाल शैली का आर्टिस्ट नहीं है। तो हमको पता होना चाहिए बंगाल शैली के आर्टिस्ट कौन कौन है। तो नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, क्षितिजनाथ मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण उकील, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल डे, सुरेंद्र गांगरी, रवि शंकर रावर, चगुताई और के वेंकटप्पा, ये सभी बंगाल शैली के आर्टिस्ट थे। ठीक है बेटा, काफी बात हुई अभी बंगाल शैली पे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब है बंगाल शैली के चित्रों का अध्ययन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यात्रा का अंत। चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर है इसके, है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर ने ये चित्र बनाया। और इस चित्र को अगर आप देखोगे तो धूमिल सा वातावरण है, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं, सिर्फ रंगों की छाया है, ठीक है, नारंगी और ब्राउन रंग की छाया है। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है और इस चित्र के पीछे भी एक कहानी है। क्या होता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर का बहुत ही ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं अपने चाचा रविंद्रनाथ टैगोर से। तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है 1941 में। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो अवनींद्रनाथ टैगोर एक चित्र बनाते हैं जिसके अंदर एक ऊँट है जो कि बोझ, जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ है, निढाल अवस्था में पड़ा हुआ है, आगे के घुटने उसके झुक गए हैं, फिर भी खड़े होने का प्रयास रख रहा है, ठीक है। एक तरह से इस ऊँट का अंतिम समय यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस चित्र को जीवन संध्या के नाम से भी जाना जाता है। और जब उनके जो चाचा थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने अपना ये अंतिम चित्र बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने, और उसके बाद उन्होंने अपनी तुल्लिका का त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भी चित्र नहीं बनाए। और उनके 10 साल के बाद उनकी खुद की भी, मतलब रविंद्रनाथ जी के 10 साल के बाद उनकी खुद की भी मृत्यु हो गई, ठीक है बेटा। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे चित्र बनाए, जैसे भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध सुजाता, तिस्से रक्षिता, ताजमहल, शाहजहाँ की मृत्यु, ये जीवन संध्या जो है इसी चित्र को बोला गया है, ठीक है। तो ये उनके चित्र हैं। सेकंड चित्र है आपका शिवसती, ठीक है, आपको पता ही है, चित्र को देखोगे तो वॉश तकनीक में बनाया है, नंदलाल बोस ने बनाया है 1947 में सेपिया रंग से। तो शिव हैं जिन्हों माता सती की मृत्यु हो गई है, निढाल शरीर है, शरीर में प्राण नहीं है, बेजान सा पड़ा हुआ, उसको अपने गोद में लेकर के बैठे हुए हैं, ठीक है ये चित्र। और शिव के जो पीछे है वो प्रकाश पुंज बनाया है। एक ये सिलेबस है नंदलाल बोस के बारे में, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, यहाँ पे नंदलाल बोस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1883 में मुंगेर खड़गपुर में, ठीक है, कलकत्ता महाविद्यालय में ये पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद ये आ गए कहाँ पे, अवनींद्रनाथ टैगोर के पास, और फिर उनके चहेते शिक्षक बन गए। इसके अलावा नंदलाल बोस के बहुत सारे चित्र हैं, जैसे कि विषपान करते शिव, विषपान करते शिव, पार्थ सारथी, बुद्ध की वापसी, स्वर्ण कलश, शिवलोक, सारे याद करने की जरूरत नहीं, तीन चार चित्र ऐसे याद कर लो, जैसे शिव शती नंदलाल बोस का है, भूमि ज्योतक कृषक नंदलाल बोस का है, संविधान की प्रति पे नंदलाल बोस ने काम किया है, इन्होंने एक दांडी मार्च चित्र बनाया महात्मा गांधी का जो कि लीनो कट का था, हरिपुरा पांडाल में नंदलाल बोस ने चित्र बनाए हैं, ठीक है। 1920 में ये प्रचारे हो गए कला भवन के, इनको पद्म भूषण मिल गया 1961 में। इस तरह से चार पांच चीज़ें याद कर लीजिए अगर पूछा जाए भाई कि अपने पसंदीदा कलाकार और उसकी कृति के बारे में बताओ, या फिर बंगाल शैली के किसी कलाकार और उसकी कृति का विवेचन, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे।
इसके बाद एक चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं रासलीला। तो बेटा रासलीला तो अभी सिलेबस में है नहीं, है ना बेटा। रासलीला के बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है राधिका। राधिका चित्र जो है बेटा वो बनाया है किसने? अब्दुल रहमान चगुतई ने, ठीक है। एक महिला की आकृति है, बहुत सुंदर लयात्मक रेखा वॉश तकनीक में बना हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा पड़ा है। और देख लो दीपदान है, पीछे रहस्यमयी वातावरण है, सुकोमल सुंदर रेखांकन है। अब अब्दुल रहमान चगुतई कौन थे? तो इनका जन्म हुआ था लाहौर में 1897 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शाहजहाँ पर आधारित चित्र बहुत ज़्यादा बनाए, जैसे शाहजहाँ की मृत्यु, ताज को निहारता शाहजहाँ, ये इनके कुछ ऐसे ना फेमस चित्र हैं, ठीक है, चगुतई जी के। और ये भी बंगाल शैली के आर्टिस्ट हैं। मेघदूत चित्र आपके सिलेबस में है, रामगोपाल विजयवर्गीय ने बनाया है, ठीक है। प्रेम प्रेमिका का जोड़ा है, गंधर्व हैं, ठीक है, बादलों में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक रहस्यमयी वातावरण है, अलौकिक परी कथाओं से संबंधित, ठीक है। बहुत ही अच्छा सुंदर रेखांकन, लयात्मक रेखाओं का प्रयोग, परिधानों का रंग, शरीर का रंग, आभूषण, वही सब बताना है, ठीक है। और आप चित्र को देखोगे तो ये वॉश टेक्निक में नहीं है, ये वॉश और टेम्परा में मिक्स है, ठीक है। टेम्परा और वॉश का मिश्रित है। अर्जुन का युद्ध से विमुख होना बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब आ जाता है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय कलाकारों का योगदान। इस पर चित्र आपसे पूछा जा सकता है, भाई किस तरह से योगदान दिया? तो आपको पता होना चाहिए जी बंकिम चंद्र चटर्जी थे जिन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, और इसी के अंदर इन्होंने एक गीत लिखा था, कौन सा? वंदे मातरम। और तो अब इस तरह से कलाकार कौन होता है? सिर्फ चित्रकार को कलाकार नहीं बोलते हैं, जो गीतकार है, जो संगीतकार है, जो लेखक है, जो कवि है, जो मूर्ति बनाता है, वो सभी कलाकार हैं। तो जो गा सकता था उसने गाया, जो लिख सकता था उसने लिखा, जो छाप सकता था उसने छापा, जो चित्र बना सकता था उसने चित्र बनाए। तो अगर हम देखें तो एओ ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना योगदान दिया, ठीक है। तो और जो चित्र थे नंदलाल बोस जो कि चित्रकार हैं, जिन्होंने क्या करा, चित्र बनाए, है ना, भारतीय संविधान की मूल प्रति पर चित्र बनाए। इसके अलावा भारतीय कृषक 1920 में जो हरिपुरा पांडाल था, नागपुर में अधिवेशन था, किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहाँ पर चित्र बनाए, लोगों को प्रेरित किया। के भारत माता चित्र बहुत से आर्टिस्ट ने बनाया, किसी ने भारत माता को ऐसे बुरे से बेड़ियों में जकड़े हुए बनाया, फटेहाल, मतलब अमृता शेरगिल ने भारत माता का चित्र बनाया तो उन्होंने उनकी साड़ी को कटा फटा दिखाया, गंदा दिखाया, मतलब भारत माता की हालत अच्छी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर शासन था अंग्रेज़ों का। तो इस तरह के पोस्टर बनाकर, चित्र बनाकर, क्रांतिकारी गीत लिख करके, ओजस्वी गीत लिख करके लोगों ने, भारतीय कलाकारों ने सहयोग दिया स्वतंत्रता संघर्ष में। भारत माता चित्र आ जाता है कि भाई किस किस ने बनाया, कैसे कैसे बनाया। तो शैलेंद्रनाथ डे ने बनाया बच्चे के साथ एक माँ का चित्र, इसके अलावा अमृता शेरगिल ने बनाया, और रविंद्रनाथ टैगोर का तो फेमस चित्र है ही भारत माता। भूमि ज्योता किसान जो आप लोग ये देख रहे हैं ना, भारतीय कृषक, ये नंदलाल बोस ने बनाया था, वही जो हरिपुरा पांडाल में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे एक कृषक बनाया है, दो बैल बनाए हैं, एकदम गतिशील मुद्रा में बनाए हैं। तो इस चित्र ने भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया क्योंकि वो उनकी दिनचर्या से संबंधित था, ठीक है। अब नंदलाल बोस के बारे में तो बेटा आपने पढ़ ही रखा है कि हाँ भाई नंदलाल बोस जो थे वो ऐसे 1983 में बिहार के मुंगेर में जन्म हुआ। कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी, तो इसको बताने में मैं दोबारा से आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप बोर भी हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास। इस पर भी क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन आपके इस पर बन सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन इस पर यही बन सकता है कि जो हमारा तिरंगा है उसके प्रतीकात्मक महत्व को बताना है, ठीक है। तो तीन रंग हैं, ठीक है, ऊपर नारंगी है, बीच में सफ़ेद है, लास्ट में हरा है। नारंगी रंग वीरता का प्रतीक है, हरा रंग परिपक्वता विस्तार का प्रतीक है, ठीक है, हरियाली का प्रतीक है। सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। एक गोल चक्र लिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर 24 तीलियां हैं जो दिन के 24 घंटों को दिखाते हैं, नेवी ब्लू कलर के, ठीक है।
अब हमने जो हमारा अंतिम राष्ट्रध्वज पाया वो 1947 में पाया। उससे पहले हमारे जो राष्ट्रध्वज था उसके चरणों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि जो तीन मेन राष्ट्रध्वज हैं उनको आप एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहला तो 1906 में बना था, उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे कि 1906 वाला कैसा दिखता था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो था वो 1921 में बना, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। 1906 वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये था ऊपर हरी पट्टी थी, नीचे नारंगी, बीच में पीली, वंदे मातरम नेवी ब्लू से था, 8 कमल के फूल थे ऊपर, ठीक है, नीचे एक तरफ चांद और एक तरफ सूर्य। फिर 1921 में बना था, ठीक है, 1921 में जो बना था उसके अंदर चरखा आ गया था बीच में, सफ़ेद पट्टी ऊपर चली गई, हरी बीच में आ गई, लाल नीचे हो गई, नारंगी जिसको बोलते हैं। उसके बाद तीसरा चरण आपको पता ही है 1941 जो कि 1946 में बन के तैयार हो गया था। ये दो ही क्वेश्चन बनते हैं इस वाले चैप्टर से। इसके बाद है आपका भारतीय कला में आधुनिक प्रवृत्तियाँ, ठीक। बंगाल शैली के भी जो आर्टिस्ट थे अब वो भी कहने लगे जी हम भी अब ऐसे ना पुरातनवादी हो रहे हैं, हमको भी अपने कला में कुछ ऐसे बदलाव करने हैं। तो क्या बदलाव करने हैं, कैसे बदलाव करने हैं, जिसका जैसा मन करेगा वो वैसा पेंट करेगा। उन्होंने अपने अपने कुछ कुछ ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि 1947 में ही पैक ग्रुप जिसको प्रगतिशील कलाकार ग्रुप बोलते हैं वो अस्तित्व में आया, ठीक है। इसके अलावा और कुछ लोग ऐसे घनवाद की तरफ चले गए, कुछ लोग ऐसे प्रभाववाद की तरफ चले गए। ये सारी वो सारी विधाएं थी जो ऐसे इंडिया से बाहर कलाकार अपने पेंटिंग्स में लेकर के आ रहे थे। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये आपके लेवल से थोड़ा सा अप जा रहा है और इसके बारे में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब है समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों के चित्र। तो राम समुद्र का मन मर्दन करते हुए आपके सिलेबस में राजा रवि वर्मा का चित्र है ना। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस चित्र में जो राम है वो एक समुद्र जैसे है ना, माता सीता को बचाने के लिए लंका जाना था तो समुद्र को रास्ता देना था, तो उसका गर्व मंदन कर रहे हैं। तो चित्र के रंग देखना है, तेल रंग में बना हुआ है। राजा रवि वर्मा पहले तेल आर्टिस्ट थे, है ना, जिन्होंने इससे पहले आपने रंग पढ़े हैं तो जी टेम्परा पढ़ा है, जल रंग पढ़ा है, वॉश पढ़ा है, लेकिन पहले आर्टिस्ट थे राजा रवि वर्मा जिन्होंने तेल रंगों में काम किया। तेल रंगों में ऐसे पाश्चात्य सभ्यता में लोग काम करते थे, ठीक। 19वीं शताब्दी का ये चित्र है और यही एक चित्र है जो आपका कहाँ पर रखा हुआ है, मैसूर कर्नाटक की चित्रशाला में। ये आपको राष्ट्रीय संग्रहालय में देखने नहीं मिलेगा। राजा रवि वर्मा बंगाल शैली के आर्टिस्ट नहीं थे, ये इनका त्रावणकोर के राजा से संबंध था। ये अपने आप में एक धनाढ्य व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी कला की शिक्षा इनके जो मामा थे उनसे ले रखी थी। इसके अलावा इन्होंने पश्चिमी आर्टिस्टों का अनुकरण किया और तेल रंग सीखा। ये जो सेकेंड चित्र है जादूगर, ये आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड है माँ और बच्चा चित्र जो है वो यामिनी राय का है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा फेमस चित्र है यामिनी राय का ये माँ और बच्चा। उसके अंदर ये जो किसी भी इस चित्र में जो है ना मोटी काली लाइन का प्रयोग किया गया है, तो यही एक तरह से विशेषता है यामिनी राय के चित्रों की। यामिनी राय का जो जन्म है वो 1887 में हुआ, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा ज़िला में हुआ अगर आप देखेंगे तो, ठीक। इसके बाद आपका है तीन कन्याएं आपके सिलेबस में नहीं है। मदर टेरेसा एक फेमस चित्र है बेटा जो आप लोगों को देखने मिलेगा, और MF हुसैन कहाँ देखने मिलेगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। MF हुसैन ने बेटा इस चित्र को बनाया है। इन चित्रों की एक पूरी की पूरी वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, मैं उधर लिंक दे दूँगी आप लोगों को। अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो इसके आगे की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग और कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।